तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो से लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ और सुबह का मौसम है, बस मुँह वगैरह धुल के चलाया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गया मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाली। जो भाई अपनी वेट गेन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई मैं वेट गेन कैसे करूँ, तो हाँ, आप बहुत अच्छी जगह पे आ गए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बस इस वीडियो को आप एंड तक देख लें। तो इस वीडियो में कुछ आप लोग को डाइट शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद पर अप्लाई करी अपनी वेट गेन जर्नी में, और वो सारी डाइट अंडर 1000 रुपये में होने वाली है। जी हाँ, सिर्फ 1000 रुपये में आपकी वेट गेन की सारी डाइट हो जाएगी, जो कि 1 महीने तक चलने वाली है। सो देरी किस बात की, लेट्स बिगिन। सो गाइस, स्टेप नंबर 1, कैलोरीज। तो जैसे कि अपन कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम हो, चाहे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये भी काम हो गया, या फिर उठूँ बैठूँ चलूँ इधर उधर, मतलब कोई भी मैं काम करूँ, तो इसमें ज़रूरत पड़ रही है हमें एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती, कैलोरीज को बर्न करके। और कैलोरी हमें कहाँ से मिलती, जो हम सारा दिन में खाना खाते हैं, चाहे अपना वो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, जो हम सारा दिन में खाना खाते हैं वहाँ से हमें मिलती है कैलोरी। सो आई होप ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे हम कुछ भी करें यार, हंसे बोले बात करें, बैठें उठें चले, मतलब कोई भी काम करें, तो उस सारी चीज़ों में हमारी कैलोरी बर्न हो रही है। सो गाइस, जैसा कि कोई बंदा दिन भर में 2000 कैलोरीज खा रहा, और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा, लाइक वो अपने दोस्तों के साथ घूम लिया, टहल लिया, क्रिकेट खेल लिया, या फिर कोई बंदा ऑफिस का काम कर लिया, तो ये जो सारे काम में जो हमारी कैलोरीज बर्न हो रही, वो हो रही है 1500। ये सारे कामों में हमारी कैलोरीज 1500 बर्न हो रही, बची कितनी 500, मतलब खाई कितनी थी उसने 2000 और बर्न हुई 1500, बची कितनी 500। तो ये जो हमारी 500 कैलोरीज बची, ये हमारी हो गई अपनी बॉडी में स्टोर। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो क्या होता है, वो जो 500 कैलोरी हमारे बॉडी में बच गई थी, वो उस 500 कैलोरीज से हो जाता हमारा वेट धीरे धीरे गेन। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कैलोरी 2000 कैलोरी की इनटेक एक हेल्दी खाना खा के पूरा करते हैं, या फिर कोई पिज्ज़ा बर्गर, ये फिर ये सारी चीज़ें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका वेट सिर्फ एक जगह से बढ़ेगा, यहाँ से, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, तो आपको ज़रूरत क्या है, 2000 कैलोरी खाने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। सो गाइस, अब अपन बात कर लेते हैं इसी का उल्टा। जैसा कि कोई बंदा दिन भर में 1500 कैलोरीज खा रहा, और वो बर्न कितनी कर रहा 2000, खा रहा वो 1500 और बर्न कर रहा 2000, तो ये जो 500 कैलोरीज का जो घाटा आ रहा हमारी बॉडी में, जो 500 कैलोरीज हमारी माइनस में जा रही है, तो ये कहाँ से बॉडी पूरा करती है, आपकी बॉडी में जो जमा हुआ फैट है वहाँ से कैलोरी का घाटा पूरा करती है। सो गाइज, आपको ये एक्चुअल में सारा सिस्टम पता चल गया होगा कि ये वेट घटता और बढ़ता कैसे है। सो गाइज, अब अपन बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई मैं तो दिन भर खाता हूँ, 10 रोटी खा जाता हूँ, मैं खाता ही रहता हूँ, और यार मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं लगता, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब आपने उसी ग्रुप में एक दूसरे बंदे से पूछा होगा कि, या फिर देखा होगा आपने कि भाई मैं तो यार सिर्फ दिन भर में 2 ही रोटी खाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यार मेरा वेट बढ़ता ही रहता है, इसका मतलब हुआ कि उस बंदे का मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो ये जो आपका वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, ये सारा सिस्टम डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पर। टिप नंबर 3, एक्सरसाइज। आप कुछ भी खा लें, लेकिन बॉडी को एक अपनी शेप देने के लिए एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए आप रोज़ डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी में ऐसे ही नहीं लग जाएगा जब तक आप एक अच्छा सा वर्कआउट नहीं करेंगे। तो जैसा कि बहुत सारे भाइयों को वर्कआउट के बारे में पता नहीं रहता है, तो आपको पता ही होगा कि मेरा एक फ़िटनेस का चैनल है, और मैं बहुत जल्द एक फुल बॉडी का विद बॉडी वेट एक वर्कआउट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, सो आप वहां पे जाके चेक कर लेना। सो आई होप ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन डाइट की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा यार, वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। अब यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा वेट गेन करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा वेट गेन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको यार हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। अब चलते हैं अपन डाइट की तरफ। तो यार डाइट में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, इतनी सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊँगा जो कि मैंने अपनी खुद वेट गेन जर्नी में अप्लाई करी हैं, खुद खाई मैंने सारी चीज़ें, और वो तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिलने वाली, बस अंडर 1000 में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी ईज़िली।
आप परचेज़ कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा सारी चीज़ों का, आप वहां पे जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। तीनों चीज़ों में सबसे पहले नंबर पे आता हमारा ओट्स, नंबर दूसरे पे आता पीनट बटर और तीसरे नंबर पे आता ड्रेट्स। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो मैंने अपनी खुद पे वेट गेन जर्नी पे अप्लाई करी हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से ईजिली बाई कर सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यार बात करते हैं इसको खाना कैसे। तो अब जैसे मॉर्निंग हो गई, ठीक है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स। अब यार ओट्स तो सभी भाई बना लेते हैं ईजिली, जो ना बना पाते होंगे तो उनको मैं बता दूँ, आप दूध गर्म करने को चढ़ा दें और उसके बाद अपना ओट्स क्वांटिटी जैसे आप खाना हो उस हिसाब से उसमें आप ओट्स पका के इजीली खा सकते हैं। खाने में अच्छा ना लगे तो आप उसमें थोड़ा सा हनी और एक बनाना ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मॉर्निंग का ओट्स जो कि हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बस ये तीनों चीज़ें खा लेंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। जो आप खाते हैं मॉर्निंग में खाना या फिर लंच में या फिर डिनर में, आपको मतलब तीनों टाइम के खाने बढ़िया एकदम टाइम टाइम से खाना है। ऐसा नहीं कि आपका बस इन तीनों चीज़ों में वेट गेन होगा, भाई कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपको खाना टाइम टू टाइम खाना ही पड़ेगा, बस ये तीन चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हो गया ओट्स। अब अपन बात करते हैं लंच की। लंच का जो हम खाना खाते हैं, चाहे जो भी खाना खाएं, लंच का खाना खाने के बाद दो घंटे बाद आपको लेना है पीनट बटर। अब यार पीनट बटर आपको कैसे खाना है, चाहे ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं या फिर आप व्हाइट ब्रेड के साथ खा सकते हैं, एक सैंडविच बना के आप खा सकते हैं इसलिए, उसमें आप ब्रेड में पीनट बटर लगा लें और उसके ऊपर बनाना काट के डाल लें और टेस्ट में आपको अच्छा ना लगे तो उस पर आप थोड़ा सा हनी ऐड करके सैंडविच बना के ईज़िली आप खा सकते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया लंच के दो घंटे बाद का मील। और अब अपन बात करते हैं डिनर की। तो जब हमारा डिनर हो जाए, डिनर में हम कुछ भी जो भी खाना खाना हो, तो डिनर के दो घंटे बाद हमको लेने हैं डेट्स। अब आपको डेट्स कैसे लेने हैं, एक गिलास दूध को आप शेकर में डाल दीजिए और उसमें से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डेट्स ऐड कर लीजिए और उसका शेक बना के एक गिलास आप ले लीजिए। सो गाइस, ये था आज का मेरा छोटा सा डाइट वीडियो। सो जो मैंने तीनों चीज़ें बताई आपको, ये तीनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना, बाई कर लेना इजीली, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको 1000 के अंदर मिल जाएगी। देखो पीनट बटर की भी कई कंपनी आती है, एक पिंटोला आता है, माई फिटनेस आता, लेकिन मैं माई फिटनेस खा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दोनों ब्रांड्स अच्छे हैं, कोई भी आप परचेस कर सकते हैं। सो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, इस वीडियो को उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन भाइयों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को, उन भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फिर ठीक है यार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।